हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही लाइट सा ब्रेकफास्ट जो आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, जिसमें बहुत ही कम घी और तेल का इस्तेमाल हुआ है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो सूजी का हम एक ऐसा नाश्ता बना रहे हैं ना जो सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देरी करते और फटाफट इसे बनाना करते हैं शुरू। इसके लिए मैंने एक कप लिया है सूजी यानी रवा और आधा कप मैंने इसमें दही मिलाई है और इसको अच्छे से आपको पहले मिक्स कर लेना है। और अभी ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा हम पानी डाल के ना इसको एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। तो अपने हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि एक अच्छा बैटर रेडी हो जाए। और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको, 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मिलाएंगे। अब ये देखिए 10 मिनट बाद ये थोड़ा सा जो है गाढ़ा हो गया क्योंकि सूजी जो फूल चुकी है। तो हम इसमें अब थोड़ा और पानी मिला के इसे थोड़ा लूज़ करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसमें मिलाएंगे 1 कटोरी प्याज छोटी कटोरी, 1 कटोरी टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। अब इसमें हम थोड़ा सा करीब आधा चम्मच के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर मिलाएंगे और थोड़ा सा नमक, जो भी आप जितना नमक डालना चाहें ना अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालिए। और फिर हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा टेस्ट देंगे ना ताकि बच्चों को भी पसंद आए, तो इसलिए हम इसमें ऑरिगेनो डाल रहे हैं और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। और उसके बाद मैं ये शेजवान चटनी होती है ना वो 1 चम्मच डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास शेजवान चटनी नहीं है तो टोमेटो केचप या और कुछ भी आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, या ना ही डालें तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, और मिक्स करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक जैसे चीला का बैटर होता है ना, चीला के बैटर से थोड़ा सा थिक इसका बैटर हम रेडी करेंगे क्योंकि हम इसका सैंडविच बनाने वाले हैं इस बैटर का। तो बस थोड़ा सा पानी डाल के और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इसे मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी सैंडविच मेकर, ग्रिल सैंडविच या गैस के पे जो रख के हम सैंडविच मेकर यूज़ करते हैं उससे बना सकते हैं, या तवे पे भी बना सकते हैं। तो इसमें बस आधा चम्मच ऑयल या घी आप ग्रीस कर दीजिए और उसके बाद क्योंकि एक थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा, आप चाहें तो बिना घी या तेल का भी बना सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा हमारे सैंडविच को। तो थोड़ा सा बटर, घी या तेल हम इसको ग्रीस करके और इस तरह इस बैटर को सैंडविच मेकर पे फैला लेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे ताकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हो। और बस सैंडविच मेकर को बंद कर देना है हमें थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर मतलब आपको 2-3 मिनट तक बिल्कुल इसको छेड़ना नहीं है, यानी कि आप बार बार इसे अगर उठाएंगे ना तो वो चिपक जाएगा और अच्छे से सैंडविच हमारा तैयार नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपको 3 मिनट तक इसको बिल्कुल छूना नहीं है। 3 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि सैंडविच हमारा कैसा बना है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये सूजी का सैंडविच बनकर तैयार हुआ है, या आप इसे चीला भी कह सकते हैं जो हमने सैंडविच मेकर में बनाया है। तो देखिए कितना क्रिस्पी और बिल्कुल फटाफट बनकर तैयार हुआ है, आपको इसको उलटना पलटना भी नहीं पड़ा और आपका एकदम मज़ेदार चीला तैयार हो गया है। बस इसी तरह हम बाकी के भी जो सैंडविचेस हैं वो बना लेंगे। तो इस तरह जो 2 सैंडविचेस हमारे तैयार हुए हैं ना, तो हम चाहें तो इसे और भी ज़्यादा मज़ेदार बच्चों के लिए अगर टिफ़िन में दे रहे हैं ना तो हम थोड़े से केचप लगा के बीच में और थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड कर देंगे ना
तो बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोई भी चीज़ आप जो है वो ग्रेट करके इसमें ऊपर से डाल दीजिए, और उसके बाद आप थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालिए, तो थोड़ा टेस्ट भी अच्छा मस्त एकदम एनहेंस हो जाएगा। और उसके ऊपर से दूसरा जो सैंडविच है वो रख दीजिए, और बीच में से ऐसे कट करके और कोई भी केचप के साथ दीजिए, और बच्चे बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय करेंगे। या आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं पैक करके बच्चों को फॉइल में, तो आप सुबह नाश्ते में खाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। बहुत ही फटाफट और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।